बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पकोड़े की रेसिपी, आलू पकोड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। रमज़ान माशाल्लाह से शुरू हो चुका है और सब रोज़े रख रहे होंगे, तो इफ्तार टाइम सब इतना थके हुए होते हैं कि उनसे ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं किया जाता। अगर आप इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो यकीन जाने ना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। पाँच मिनट के अंदर अंदर आप ये पकोड़े बना लेंगे और टेस्ट इसका इतना अच्छा है कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक, हल्दी और लाल मिर्च ऐड की है। ये तीनों चीज़ें 1 टीस्पून के करीब है। उसके अलावा 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जीरा ऐड किया है 1 पिंच के करीब, थोड़ा सा, इससे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो पकोड़े की जान है और मेरा फेवरेट है वो है सूखा धनिया, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है और उससे मैंने बिल्कुल एक मिक्सचर बना लेना है हमने, जिस तरीके से पकोड़े का बनता है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगी तो क्या होगा कि पकौड़ा फैल जाएगा आपका, और अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखेंगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो अंदर तक ये कच्चा रह जाएगा। तो इसकी आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे करना है, मिक्स करना है और कितना पानी डालना है। चीज़ों की क्वांटिटी को ना ज़रूर देखा करें और उससे मद्देनज़र रखते हुए ही आप कोई चीज़ कुक किया करें, पकाया करें। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और फिर अगेन मैंने इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है। अच्छा, सिंपल पकौड़ा भी होता है। सिंपल पकौड़ा मतलब ये कि उसमें कुछ चीज़ नहीं डलती, कोई चीज़ नहीं डाली जाती, बस बेसन को लिया और सिंपल पकौड़ा बेसन का ही पकौड़ा होता है वो। तो उसके लिए भी आपने ना ज़्यादा गाढ़ा लेना है ना ज़्यादा पतला लेना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा पतला लेने से पकौड़े जो हैं वो फैल जाएंगे और बिल्कुल इतना ज़्यादा पापड़ की तरह हो जाएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा थिक लेंगी तो थिकनेस की वजह से ना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से पक जाएंगे। तो इसके बाद मेरे पास ये आलू हैं, मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया, मैंने इनकी कटिंग की है। अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने हाथों की मदद से काट लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। वैसे तो पकोड़े कई स्टाइल से बनते हैं, बहुत से अंदाज़ हैं, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से जल्दी जल्दी बन के रेडी होने वाले बना रहे हैं। मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है, मिक्सिंग अच्छे से करेंगे तो हमारा पकोड़ा जो है बिल्कुल अच्छे से बनेगा, इसमें किसी किस्म की कोई लम्स वगैरह गुठलियाँ ना हो। तो घी बिल्कुल गर्म हो चुका था और पकोड़ा इसके अंदर डल चुका है, तो 1 बाय 1 एक चम्मच लेना है और वह 1 चम्मच भर भर के आपने डालना है। इससे एक ही साइज़ के बनेंगे, बड़े छोटे नहीं बनेंगे, और यकीन जाने इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बाज़ार के पकौड़े भूल जाएंगे। 1 बाय 1 जितनी आप मुझे खाली स्पेस नज़र आ रही है, मैं उस जगह पर ये पकौड़े रख रही हूँ। पता नहीं होता हमें कि घी गर्म है या नहीं। ये जो सेंटर वाला है ना, जिसे मैं अब निकालने लगी हूँ, ये मैंने ये चेक करने के लिए इसके अंदर डाला था कि घी गर्म हो चुका है या नहीं। अगर घी गर्म नहीं होगा और अगर आपने मिक्सचर जल्दी डाल दिया तो क्या होगा, पकोड़े चिपक जाएंगे, चाहे वो नॉन स्टिक भी हो तो वो सारे टूट जाएंगे और अलग-अलग हो जाएंगे। इसलिए ख्याल रखना है कि घी अच्छे से गर्म हो और फ्लेम भी लो हो, हाई फ्लेम पर भी नहीं पकते ये, नहीं तो हाई फ्लेम पर ये ऊपर से जल जाएंगे और फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सबकी साइड्स में चेंज कर रही हूँ। अच्छा, इसका क्या है कि इसके अंदर आलू जैसे मैंने काटा, इस तरीके से अगर बनाते हैं हम तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अंदर तक पक जाते, कच्चापन नहीं रहता इसके अंदर। तो वो मैंने निकाल लिए और फिर मैंने दूसरे इसके अंदर डाले हैं
और ये भी आप देख सकते हैं कि वन बाय वन करके मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं। और भी अच्छे तरीके से मैंने इसे निकाल लेना, थोड़ी देर रखना है इसके ताकि घी निकल जाए इसके अंदर से। तो वन बाय वन करके सारे के सारे पकोड़े बना लेने हैं और फिर फाइनली फाइनली ये बन चुके हैं। और आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, यकीन जाने सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसका जितना ज़्यादा लुक खूबसूरत है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप बनाएंगे ना तो सब ने छीन छीन कर खाना है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी थी ये। अगर रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तब भी सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें।